तीन ये ऐसे बिल लेकर आए हैं जो मुख्य हमारी बातें थी, किसानों की बातें थी, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी मुखर होकर उठा रहे हैं। कि आप ये बता दीजिए कि MSP का क्या होगा, आप ये बता दीजिए कि आम किसान का, मज़दूर का क्या होगा, आप ये बता दीजिए कि जो हमारे हम एक कानून लेकर आए थे फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके लिए आप प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे, सरकारी एजेंसियां कैसे करेंगी। तो बहुत सी इनके साथ जुड़े हुए और बहुत से सवाल हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि जो देश भर में प्रदेशों में आग लगी हुई है किसानों की, जो उनकी पीड़ा है, जो वो सड़क पर उतर रहे हैं और आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उन पर 307 के मुकदमे चला रहे हैं, आप ये समझते हैं कि एक ट्वीट से आप सब कुछ ठीक कर देंगे? मुझे ये बता दीजिए कि आप ट्वीट करके कह रहे हैं MSP के बारे में, कानून क्यों नहीं बनाते? तो क्या ट्वीट को हम कानून समझें इस देश की? क्या न्यायपालिका आपके ट्वीट को कानून समझेगी? तो ये इस तरह का मजाक हमारे किसान और मजदूर के साथ ना करें, ठोस बात करें। बातचीत में आपका विश्वास नहीं है, हमारे किसानों की, गरीब के, उसके दर्द के, उसके पीड़ा की, जो उसके मन की आवाज़ है, उसको भी कभी सुन लें तो बेहतर होगा। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी मैडम आगे की? कांग्रेस की रणनीति ये है कि ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, किसानों मजदूरों के लिए हम लड़ते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी एक व्यापक रूप से आंदोलन चलाएगी। अभी आपको एक आध दिन में उसके बारे में पता चल जाएगा। मैडम कई नेता मान रहे हैं, कई नेता इसको इग्नोर कर रहे हैं। इनकी आदत है लोगों का ध्यान, मीडिया का ध्यान बांटना, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें ये करते हैं। एक मंत्री कह देते हैं हुआ ही नहीं, कोई कह देता है कि ये गलत हुआ है, कोई इनके सांसद कुछ कह देते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इनका कोई और मकसद है, केवल यही मकसद है कि लोगों को गुमराह करें, लोगों का ध्यान बांटें असली मुद्दे से। MSP पर CM और डिप्टी CM भी क्लियर कर चुके हैं कि किसानों को घबराने, इनके क्लियर करने से कुछ बात नहीं बनती है। अभी भी इन्होंने एक फैसला लिया है, मुझे मालूम पड़ा गेहूँ का, लेकिन ये तो आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, ठंडा करने के लिए किया है आज के दिन, ताकि अभी ये थोड़ा मामला ठंडा हो। लेकिन जो मूल बात है MSP की, कानून की, उस पर सब चुप्पी साधे हैं। और हमारे राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो शायद उनको हिम्मत मिलना चाहिए कि वो जाकर हरियाणा के लोगों की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखें। देखिए, जहाँ तक कि PTI की बात है, हमने पहले भी कहा था कि सरकार के मन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। तो बेशक कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, सरकार चाहती तो कानून बना सकती थी इनके लिए, जिन्होंने इतने सालों साल काम किया है। आप कैसे आज उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोबारा एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे? ये गलत, सरकार का बहुत गलत रवैया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल तैयार किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फिर से हमारी इस प्रणाली का गला नहीं घोंटा जाएगा, विधान सदन चलेगा और हम ये भी और भी दूसरे बिल्स भी लेकर आएंगे और सरकार के आँख और कान खोलेंगे। गुमराह ये कर रहे हैं, गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोगों को, उनके सामने हमेशा की तरह गुमराह करना, गलत बातें करना, झूठ बोलना और फिर जुमलेबाजी करना, गुमराह ये करते हैं कांग्रेस ने। कांग्रेस केवल गरीब किसान की बात को उठाती है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तैयार है और एक तरफा चुनाव कांग्रेस जीते। ताकि ये कहें कि किसानों का अपनी सोच नहीं है, किसान अपने आप से सोचने में सक्षम ही नहीं है, इनको तो कांग्रेस गुमराह कर रही है। मैं जान, इन्होंने अच्छी तरह से सोच कर पूरी प्लानिंग के साथ ये फैसला लिया, किसानों को गुमराह ये कर रहे हैं कि किसानों का हित होगा।
साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सोनी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी ने आप मेरे नौजवान साथियों को मालूम ठीक कर दिया तो वो कानून कभी बन सकता? अब कानून बना देते, वो नहीं किया। इनका केवल आपके हित के फैसले नहीं ले सकती तो क्या ये निजी बड़ी कंपनियां आपके हित को पहचानेंगी? उनका काम केवल मुनाफा कमाना होता है कंपनियों का। इन्होंने अपने मंत्रालय का नाते कमाते मुनाफा खोरी पर भी आएंगे क्योंकि उनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब बेचारे हमारे किसान भाई मजदूर भाई इधर उधर भागते रह जाएंगे। ये अन्नदाता है, देश का पेट भरा है, हरित क्रांति लाए थे। हमारा देश जो अपने दाने नहीं उगा सकता था पर्याप्त मात्रा में, हमारे बहादुर अन्नदाताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने उस समय ऐसी पॉलिसी दी। किसान, छोटा किसान, छोटा किसान, उसमें कितनी क्षमता हो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए? कोई भी आप